मैं मुझे अपनी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। अच्छा चलिए ठीक है, मैं 12 बजे मिलने गया था प्रधानमंत्री जी से और मैं इस विषय पे मिलने गया था, मैन्यू स्कैवेंजिंग के विषय पे मैं मिलने गया था, जो हाथों से मल साफ करने की प्रथा जो है उसके सिलसिले में मिलने गया था। और इस गुजारिश से गया था मैं कि ये जो प्रथा जो हमारे देश में आज तक मौजूद है उसका खात्मा हो, जल्द से जल्द उसका खात्मा हो। प्रधानमंत्री जी ने मुझे आश्वासन दिया है कि वो इस पर खास ध्यान देंगे और उन्होंने फौरन मुझे मुकुल जी के पास भेजा जो वेलफेयर के मिनिस्टर हैं और इस क्षेत्र में ये टॉपिक उनके अंडर आता है। तो उन्होंने मुझे मुकुल जी के पास भेजा, मुकुल जी ने मुझे पूरा आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द, और वो पूरे ध्यान से इस पर काम कर रहे हैं, उनकी मिनिस्ट्री इस पर ऑलरेडी काम कई महीनों से इस पर इनका काम चल रहा है मिनिस्ट्री का, और पूरे सीरियसनेस से ना सिर्फ मिनिस्ट्री लेकिन पीएमओ भी इस पर ध्यान देगा और इसको जल्द से जल्द ये इसका खात्मा करने की कोशिश करेंगे। मिनिस्ट्री और एक जो तकलीफ सामने आ रही है, एक जो तकलीफ सामने आ रही है वो जो है राज्य सरकारों की तरफ से, वो काफी हद तक इस बात से गिनती में वो देते नहीं है कि हाथ से मैला उठाने की प्रथा पर बात कर रहे हैं आमिर खान और आज उन्होंने इसी संदर्भ में मुलाकात की प्रधानमंत्री से। प्रधानमंत्री से उनसे उन्हें आश्वासन मिला और अभी सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्री मुकुल वासनिक से मुलाकात के बाद उन्होंने कहा कि ऐसी कई योजनाएं हैं जो उनके मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही हैं लेकिन राज्य सरकारों की ओर से सही आंकड़ा ऐसे लोगों का नहीं मिल पा रहा है जो इस तरह का काम करते हैं ताकि उनके लिए भी कल्याणकारी योजनाएं उन तक पहुंचाई जा सके। हम ये समझते हैं कि तमाम लोगों को सम्मान से जिंदगी जीने का अधिकार मिलना चाहिए। आज भी समाज का एक वर्ग अगर मैला ढोने का काम करता है तो वो पूरे समाज के लिए, हमारे मुल्क के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत सरकार इसको प्राथमिकता से इसको सुलझाने के काम में लगी है। नेशनल एडवाइजरी काउंसिल ने इस पर ध्यान दिया, प्रधानमंत्री जी ने इस पर ध्यान दिया और मुझे खुशी है कि आमिर खान साहब ने भी इस मुद्दे को उठाया और मैं समझता हूं कि जिस तरह से इन्होंने इस मुद्दे पर ध्यान देने का काम किया इससे बल मिलेगा, समाज में इसके बारे में चेतना पैदा करने में मदद होगी और जल्द से जल्द हम इस समस्या से पूरी तरह से निपटेंगे।